दिस वीडियो डिस्कस अबाउट द इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड एक तरीके का क्या है, ऑर्गन है जो कि केमिकल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है। और ये केमिकल सब्सटेंस जैसे कि टिश्यू और ब्लड से स्टिमुलेट होके स्पेसिफिक ऑर्गन तक या टिश्यू तक पहुँचते हैं और स्पेसिफिक एक्शन शो करते हैं, जिसे हम हार्मोन बोलते हैं। और ये कहाँ पे डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज इनटू सराउंडिंग एरियाज में डिस्चार्ज होते हैं, जैसे कि इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं वो डायरेक्टली अपना एक्शन शो करते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं ये डक्ट ग्लैंड होते हैं, जिसमें कि जो हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं वो एक पर्टिकुलर डक्ट में सिक्रेट होते हैं। और जो डक्ट होते हैं वो डक्ट पर्टिकुलर स्पेस में ओपन होते हैं और पर्टिकुलर एक्शन शो करते हैं। इसका डिस्कवर विलियम बाइलिस एंड इयरनिस एच स्टार्लिंग ने किया था। हार्मोन के मेनली थ्री टाइप्स होते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, प्रोटीन और स्टेरॉयड। जो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स और प्रोटीन रहते हैं ये नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन रहते हैं। और स्टेरॉयडल हार्मोन जो अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव्स होते हैं, इसमें थायरॉयड हार्मोन आते हैं और केटाकोलामाइन हार्मोन आते हैं। और जो प्रोटीन रहते हैं इसमें ऑल एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पिट्यूटरी हार्मोन आते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन आते हैं और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन आते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन में एग्जाम्पल में एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और विटामिन डी, ये सारे हार्मोन आते हैं। नाउ सी दी हाउ टू हार्मोन वर्क। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन एंड रिलीज। जो हार्मोन रहते हैं वो पर्टिकुलर ग्लैंड से रिलीज होते हैं, देन उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेल या स्पेसिफिक टिश्यूज में। और ये वहाँ जाके पर्टिकुलर सेल को टारगेट करते हैं जहाँ पे उसको अपना एक्शन शो करना है। नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन में जो हार्मोन रहते हैं थ्रू द ब्लड स्ट्रीम पर्टिकुलर टारगेटिंग सेल तक पहुँच के अपना सेल्यूलर रिस्पॉन्स शो करते हैं। और जो सेल्स होते हैं वो अपना जो भी इफ़ेक्ट है वो बॉडी में शो करते हैं। देन है फीडबैक मैकेनिज्म। इफ हार्मोन अपना प्रॉपर फंक्शन शो करेगा देन बॉडी सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर जो हार्मोन रहते हैं वो अपना सही तरीके से फंक्शन नहीं शो करते हैं तो बॉडी क्या शो करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करेगा। बॉडी में किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन शो होंगी। देन मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। जो भी हार्मोन रहते हैं वो बॉडी के थ्रू मेटाबोलाइज होते हैं, देन उसका एलिमिनेशन होता है। रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस। ये बॉडी में जो भी हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं वो अपना डेली बेसिस में रेगुलेट होते रहते हैं और अपना फंक्शन शो करते रहते हैं, जो कि बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरीके से हार्मोन क्या करते हैं कि अपना फंक्शन शो करते हैं बॉडी में और वर्क करते हैं। अब हम ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो ग्लैंड और स्मॉलेस्ट ऑर्गन रहता है बॉडी का वो है पीनियल ग्लैंड, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, या पीनियल बॉडी, या थर्ड आई, या स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। इसका जो शेप है वो पाइन कॉन शेप्ड का रहता है। पोजीशन, इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फेयर टू द थर्ड वेंट्रिकल। ये कहाँ पे, हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर और जो थर्ड वेंट्रिकल होते हैं बॉडी में, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसे मेलाटोनिन एंड एसिटाइल 5-मेथॉक्सी ट्राइप्टामाइन हार्मोन कहते हैं। इसका जो फंक्शन रहता है ये मेंटेन करता है बॉडी के कार्डियक रिदम को 24 आवर्स, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो है हाइपोथैलेमस, जिसे कमांडर ऑफ चेप या हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। इसके जो रिलीजिंग हार्मोन है वो बहुत सारे हैं, जिसमें फर्स्ट है थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में TRH भी बोलते हैं। ये स्टिमुलेट करता है TSH, T3 और T4 हार्मोन को। और ये नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है प्रोलैक्टिन के रिलीज को, जो कि मिल्क इजेक्शन में हेल्प करते हैं। देन है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये क्या ऑल्सो ये
क्या वर्क करता है कि ये इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन के रिलीज़ को भी, ये इनहिबिट भी करता है और रिलीज़ को स्टिमुलेट भी करता है। देन है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारे एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स में ये वर्क करता है, जो कि एड्रीनल कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ये सिक्रेट करता है। देन ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन में ये क्या करता है कि जो ग्रोथ हार्मोन है बॉडी के जो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये उस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। ये हमारे एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का मोस्ट अबंडेंट हार्मोन रहता है, जो कि 40% अमाउंट में रिलीज होता है और जो बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है रिलीजिंग को, गोनेडोट्रोपिन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि आपके रिप्रोडक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये बेस ऑफ द ब्रेन के पास लोकेटेड होता है बीनीथ द हाइपोथैलेमस, और एक बॉनी स्ट्रक्चर रहता है ये, जिसे सिलिया टर्सिका भी कहते हैं। ये बहुत ही थिक स्मॉल पी साइज्ड ग्लैंड रहता है और ये सेंटर ऑफ द हेड के में प्रेजेंट रहता है। ये 7 हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स को ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सिक्रेट करता है बॉडी के फंक्शन के लिए। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहते हैं ये हेल्प एंड कंट्रोल करते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को। फिर है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो रहते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड विद इन द ब्रेस्ट टिश्यू में ये हेल्प करते हैं। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं बॉडी के। देन है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, जो ये हार्मोन रहते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड को टू रिलीज द कॉर्टिसोल, और जो ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करते हैं कि ये प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन रहते हैं, जो इंक्रीज करते हैं शुगर लेवल को, जिसे ग्लूकेकॉन कहते हैं, ब्लड स्ट्रीम में, जो कि इन्हेंस करता है ब्रेन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, और जो ये क्या करते हैं हेल्प करता है बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करने में। देन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं स्किन को यूवी रेस से एंड पिगमेंटेशन को डेवलप करते हैं, और ये एपेटाइट को बॉडी में कंट्रोल करते हैं। देन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आल्सो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं एंड रेगुलेट करते हैं और एग ओव्यूलेशन एंड एग प्रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। और 7 है जो कि मेंशन नहीं है यहाँ पे, वो है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहते हैं TSH, ये हेल्प करते हैं थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, जो कि बॉडी के बेसिक फंक्शन के लिए वर्क करता है, हेल्प करता है बेसिक फंक्शन में। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे नैरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पोस्टेरियर लोब में जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहते हैं वो मेनली प्रोड्यूस करते हैं 2 हार्मोन का। फर्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन, और सेकेंड है ऑक्सीटोसिन, जिसे पिटोकाइन या लव हार्मोन भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन वेसोप्रेसिन, ये स्टिमुलेट करता है वाटर रीअब्सॉर्प्शन को इन कलेक्टिंग डक्ट पे, और सेकेंड है ऑक्सीटोसिन, जो कि स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, यूट्रस और मेमरी ग्लैंड को, जो कि हेल्प करते हैं मिल्क इजेक्शन में और ओव्यूलेशन में। नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करें तो वो है थायरॉइड ग्लैंड, जो कि पोजीशन सिचुएटेड इन द निक, ये कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, हमारे निक के पास सिचुएटेड रहता है, फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स एंड ट्रेकिया एंड लेबल ऑफ द फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ सर्वाइकल एंड थोरेसिक वर्टिब्रा, जिसका वेट रहता है 25 ग्राम। कलर जो रहता है वो ब्राउनिश रेड कलर का रहता है। ईच लोब बींग अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक होता है।
थायराइड ग्लैंड की अगर शेप की बात करें तो ये एक बटरफ्लाई शेप्ड रहता है, जो कि वन लोब का जो शेप रहता है वो कोन शेप्ड रहता है। और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, ये जो हार्मोन का सिक्रेटन करता है, सिक्रेटिंग बाय फॉलिकुलर सेल थायराइड एपिथेलियल एंड थायरोसाइट्स हार्मोन का सिक्रेटेड करते हैं। फर्स्ट इसका T3 हार्मोन, जो कि जिसे ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो कि 80 to 230 नैनोग्राम पर डीएल मेजर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड है T4 टेट्रा आयोडो थायरोडोनिन थायरोक्सिन हार्मोन, जिसे कि 5.0 to 12.9 माइक्रोग्राम पर डीएल सिक्रीट करते हैं। थर्ड है कैल्सिटोनिन, जिसे कि पैराफॉलिक्यूलर सेल या नॉर्मल वैल्यू लेस देन 8 पिक्टोग्राम पर ml रहता है। इसका जो कैल्सिटोनिन हार्मोन रहते हैं, ये रिड्यूस करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल को और इंक्रीज करते हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन को। थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होते हैं हाइपर पैराथायरोडिज्म। हाइपर पैराथायरोडिज्म तब होते हैं जब हाइपर सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन होता है, जो कि कैरेक्टराइज बाय इंक्रीज BMR, जो भी बेजल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाता है T3 T4 हार्मोन के सिक्रेशन से। तो जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर थायरोडिज्म बोलते हैं, जो कि फर्स्ट क्या कॉज करता है, ग्रेव डिसीज करता है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपोथायरोडिज्म करता है, जो कि बॉडी प्रोड्यूस करती है टू मच थायराइड हार्मोन। और इसका टॉक्सिक, सेकंड है टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गॉइटर, जिसे कि प्लमर डिसीज कहते हैं, जिसका एक क्लिनिकल साइन होता है इंक्रीज हार्ट रेट, वेट लॉस ऑफन डिस्पाइट एंड इंक्रीज एपेटाइट। और है फीलिंग वार्म एंड हॉट ऑल टाइम, रिड्यूस इन अ मेंस्ट्रुअल फ्लो और एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ आई बोल। ये सारे जो रहते हैं गोइटर के सिम्टम्स रहते हैं, साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं। इसका मैनेजमेंट क्या रहता है, इसका ड्रग जो रहता है एंटी थायरॉयड ड्रग, एग्जाम्पल मेथाइमाजोल एंड कार्बामाजोल एंड प्रोप्रानोल अस प्रिस्क्राइब्ड रहता है। इसका सर्जरी जो रहता है वो थायरोइडोटॉमी रहता है, जो कि पार्शियल और सब टोटल, मतलब जो थायरॉयड ग्लैंड रहते हैं उसको पार्शियल और सब टोटल रिमूव आउट कर देते हैं बॉडी से। आफ्टर थायरोइडेक्टोमी केयर जो रहता है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड जो करते हैं, वो गिव अ सेमी फ्लोर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं एंड सैंड बैग और पीलो में भी यूज टू इमोबिलाइज द क्लाइंट, और नेक जो उसका नेक रहता है क्लाइंट का वो इमोबिलाइज्ड हो, ताकि उसके लिए सैंड बैग और पीलो का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपोपैराथायरोडिज्म है, जिसे मैक्सेडिमा भी कहते हैं। ये हाइपोसिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन की वजह से होता है, जिसमें कि बेजल मेटाबॉलिक रेट जो रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका इटियोलॉजी कॉजेस क्या क्या है, ट्यूमर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड की वजह से भी होता है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से, या ग्रेव डिसीज की वजह से भी हाइपोपैराथायरोडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। का जो क्लिनिकल साइन है वो वेट गेन है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग है, पफिनेस ऑफ फेस है, ड्राई स्किन, पेरीऑर्बिटल एडिमा कॉज होता है, इनटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं क्लाइंट, एंड देन ब्रेडिकार्डिया, स्लो हार्ट रेट हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन भी इस केस में देखने को मिलते हैं। हाइपोपैराथायरोडिज्म का मैनेजमेंट जो है वो थायरॉयड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि जो ड्रग का यूज़ करते हैं लिवोथायरोक्सिन और विवोथायरॉयड ड्रग का यूज़ करते हैं, ताकि जो हार्मोन है वो प्रॉपर मैनेज हो सके। और इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, प्रोवाइड द वार्म इन्वायरमेंट, वार्म इन्वायरमेंट क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो कोल्ड इनटॉलरेट नहीं कर पाते हैं, एंड लो कैलोरी डाइट प्रोवाइड करते हैं, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट प्रोवाइड करते हैं, एंड लो सैचुरेटेड डाइट फॉर अ पेशेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें तो ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कि थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये नंबर ऑफ 4 रहते हैं। इसका लोकेशन जो रहता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड इज अ लोकेटेड इन द नीक, देयर आर अ 4 स्मॉल पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल शेप रहता है एंड ऑल्सो आई बॉल शेप्ड का ये रहता है। इसका जो लेंथ रहता है वो 0.3 to 0.6 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, और जो इसका वेट रहता है 25
5 mg रहता है। इसका सिक्रेटेड हार्मोन ये पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रेट करता है और इसका जो फंक्शन रहता है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को एंड ब्लड एंड बोन किडनी एंड इसेंशियल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं बॉडी के। पैराथायरॉयड ग्लैंड से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होते हैं, जिसमें कि इट्स ऑकर ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। जब पैराथायरॉयड हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से तो कॉज करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जिसमें कि जो कैल्शियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाते हैं और जो फॉस्फेट लेवल है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिशन वर्क करते हैं। इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट रहता है ये डायूरेटिक्स जैसे कि लैसिक्स दे सकते हैं, कैल्सिटोनिन दे सकते हैं, इस तरीके से हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है। जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है ये हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से होता है, जिसमें कि कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में जो कैल्शियम का लेवल था वो इंक्रीज होता था और फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज होता था। इसमें उल्टा होता है, इसमें कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है और फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसका जो इटियोलॉजी है वो ट्यूमर ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड की वजह से भी होता है एंड समटाइम्स थायरॉयडेक्टोमी करवाते हैं तो इस वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस रहते हैं। इसका जो क्लिनिकल साइन है वो हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया है। इस ब्रोंकोस्पास्म कॉज करता है, विजुअल डिस्टर्बेंस होते हैं, समटाइम्स सीजर कॉज होते हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन की वजह से बॉडी में सीजर्स शो होते हैं। इसका जो मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्टर कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड विटामिन डी एंड एडमिनिस्टर फॉस्फेट बाइंडर एंड कैल्शियम एसीटेट जो ड्रग है एज प्रिस्क्राइब्ड एडमिनिस्टर करते हैं ताकि जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का कंडीशन है वो ट्रीट हो सके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर।